भागवत का स्कंद 10वां 30वां अध्याय भगवान के गोपियों ने अपने अधीन समझना और महाराज ने अंतर ध्यान होना ते छपना। श्री सुखदेव मुनि जी बोले कि महाराज जब भगवान रास मंडल से अचानक अलोप हो गए तो संपूर्ण गोपियां दी अखां अग्गे अंधेरा छाए गया और अति दुख पाए के ऐसे अकलाई जैसे मणि तो बिना सर्प दुखी होता है। इतने में एक गोपी दुखी होकर बोली, कहो सखी मोहन कहाँ गए हमें छुटकाए, मेरे गरे बुझा धरे गए गरे उरलाए। अभी तो हमारे मंडल में मिले रास विलास कर रहे थे, हाय इतने ही में कहा गए तुमने कहीं जाते किसी को नहीं देखा। जय भजन सुन सब गोपियां बिरहों दी मारी परम उदास पृथ्वी पर हाथ मार मार कर बोली दोहरा, कहाँ जाए कैसे कहे कासो करे पुकार, कहाँ जाए कैसे करे कासो करे पुकार, है कित कछ ना जानिए बैकअप मिले मुरार। ऐसे कह चारों तरफ बाबरी हो हरि को ढूंढने लगी और रो रो भगवान के गुणगाने लगी, हमको क्यों छाड्यो ब्रजनाथ सर्वंश दिया तुम्हारे हाथ। जब कहीं ना पाया तब आगे जाए आपसे बोली, सखी जहाँ तो हम किसी को नहीं देखती किसी से पूछे कि किधर गए। जे सुने गोपी ने कहा, सुनो वाली एक बात मेरे जी में आई है कि जे जितने वन में पशु पंखी है और वृक्ष भी खड़े हैं इनको सब कुछ नजर आता है और सर्व श्री कृष्ण लीला के देखने वास्ते अवतार तार आए हैं, इन्हीं से पूछ ले जे जहाँ खड़े देखते हैं जिधर हरि राये हैं हरि गए हैं तितर बतावेंगे। इतना वचन सुनते ही सब गोपियां बिरह से व्याकुल हो जड़ चेतन से पूछने लगी चौपाई, ए बड़ पीपल पागड़ वीर लहा जतन कर ओच शरीर, पर उपकारी तुम ही भय बेछ रूप पृथ्वी पर लय, घास शीत बरका रुख सहो काज पर आए ठांडे रहो, बिगसा फुल मूल फल पार तिनते करत पराई सार, सबका मन तन हर नंदलाल गे किधर को कहीं दयाल, हे कंदली अंब और कचनाल तुम कहो देखे जात मुरार, हे अशोक चंपा करवीर जात लखे तो मने बलबीर, हे तुलसी अति हर की प्यारी तुमने हरि हरि नहीं देखे प्यारी, फूली आज मिले हर आई हम ही कोकिन देत बताई, जाति जूही माल तिखाई एत निक से कुबर गनाई, मृगन पुकार कहे ब्रज नारी इत तुम जात लखे बनवारी। इतना कह सुखदेव जी बोले कि महाराज इसी रीत से सब गोपियां पशु पंछी बिरग बैलों से पूछती पूछती श्री कृष्ण रूप हो गई। एक पूतना बकी अगर सुर बेंती बा भारत जो जो चरित्र लीला में श्री गोकुलनाथ जी के किए थे सो कहने लगी, और ढूंढती ढूंढती बहुत दूर जाकर देखो तो श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज दे चरण चिन्ह कमल तुजा अंकुश समेत रेत पर जगमगा रहे हैं। देखते ही गोपियां कहने लगी,
हरि जिस रज को सुर नरमुन जन खोजते हैं, ये चतुर्भुज को इस चरण दूर को अपने शरीर पर धर लवो। पुनः हरि के चरणों का ध्यान करती करती क्या देखती है, जो हरि के चरणों के चिन्हों के पास एक नारी के चरणों का भी चिन्ह प्रकट हो रहा है, उसको देखकर सज्जे खब्बे देखा तो एक ठोर कौशल पातों के बिछोने पर सुंदर जड़ाओ दर्पण पड़ा है। फिर तो दर्पण से पूछने लगी, भला उस शीशे ने कहाँ बोलना था। तब फिर आपस में विचार कर बोली, कहो सखी जे क्यों कर लिया, इसी समय जो प्यारी पिया के मन दी जानती थी। उसने उत्तर दिया कि सखी, जहाँ प्रीतम प्यारी की चोटी गुंदने बैठे और श्रृंगार किया, तब प्यारी ने अपना मुख देखने को जय शीशा हाथ में लिया। ये बात सुन गोपी परम क्रोध कर बोली, अरे तब तो यह कच्च के शीशे ने बहुत तप किया और उस मखीन ने भी शिव पार्वती की भली पूजा करी, जिसके पूजन के फल से श्री गिरधारी जी ने तिसका शीश सवार कर हार श्रृंगार पहराए। इस पर सर्व गोपियां परम व्याकुल हो भगवान को खोज रही थी कि उधर श्री राधिका जी हरि के साथ अधिक सुखमान प्रीतम को अपने बस जाना और आपको सर्व सखियों से अधिक माना और मन में मान आया और श्री गोकलनाथ जी को कहने लगी, हे प्यारे अब मुझसे चला नहीं जाता, कांधे चलाए ला चलिए। इतनी बात सुनते ही गर्भ प्रहारी अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र जी ने मुस्कराए कर कहा, आइए हमारे कांधे पर चढ़ बैठिए। जब वो हाथ पसार कर चढ़ने लगी तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अरे राधिका हाथ पसारे ही खड़ी रह गई, ऐसे कि जैसे गन से मान करदामनी बिछड़ रही हो अथवा चंद से पीछे चंद्रका रह गई हो। गेरे शरीर की जोत शोभा दे रही थी और नेत्रों से कज्जल की धारा पृथ्वी पर गिर रही थी और ऊंचे ऊंचे श्वास आ रहे थे और मुख पर जो भंवर आकाश बैठते थे तिनको भी उड़ा नहीं सकती थी। और हाय हाय कर वन विरह की मारी इस प्रकार व्याकुल अकेली हो रही थी कि जिसके रोने की धुन सुन पशु पंखी जड़ चेतन सब रो रहे थे। हा नाथ परम हितकारी, कहाँ गए स्वयशंद बिहारी, चरण शरण दासी मैं तेरी, कृपा सिंध लीजे सुध मेरी। राध काजी तो इस प्रकार पुकार पुकार कर रो रही थी, ऊपर से संपूर्ण गोपियां भी ढूंढती ढूंढती आ पहुंची और राधिका जी के गले लग लग खूब रोई। पुनः सुख माना जैसे किसी का धन जाता रहे और आधा मिल जाए तो प्रसन्न होता है। निदान किसको भी परम सुखी जानकर गोपियां साथ ले भगवान को ढूंढने लगी। तहां तक चांद ना देखा तहां तक सर्व गोपियों ने वन में श्री कृष्णचंद्र को खोजा। जब संगन बन के अंधेरे में वन में रास्ता ना मिला तब तो सब वहां से फिर धीरज धर मिलने की आस कर जमुना के उसी किनारे पर आए बैठी, जहां श्री कृष्णचंद्र जी ने रास मंडल का सुख दिया था। 30वां अध्याय समाप्त। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमो नारायण।